जिस होटल में 31 दिसंबर की रात अंजलि और उसकी साथी निधि पार्टी करने पहुंची थी, उसे लेकर नया खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस होटल में रूम नंबर 104 लड़कियों ने ही बुक की थी। रोहिणी के जिस होटल के बाहर पीड़िता और उसकी सहेली दिख रही है, TV9 भारतवर्ष की टीम उस होटल के अंदर भी दाखिल हुई तो पता चला कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए होटल का रूम नंबर 104 लड़कियों की तरफ से बुक किया गया था। 31 दिसंबर की रात दोनों ने होटल के इसी रूम को बुक किया। TV9 संवाददाता कमरा नंबर 104 के अंदर भी पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर पड़ताल की। ये वो रूम है 104 नंबर, और यही जो कमरा है मृतका और उसकी सहेली ने 1 तारीख की रात को यहाँ पर उसकी दोस्त ने लिया था। बाकायदा उन्होंने अपने जो आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी की थी, यानी कि दोनों ने अपना अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा कराया था। और ये देखिए, ये वो रूम है जिस रूम के अंदर जो 31 की नाइट है मृतका और उसकी दोस्त इसी रूम के अंदर मौजूद थी। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने पार्टी की है, जो कि जो होटल के मैनेजर है, जो होटल का स्टाफ है, उनके मुताबिक। और उसके बाद दोनों यहाँ से तकरीबन रात को 1 बजे से 1:15 बजे के बीच में निकलते हुए स्कूटी पर साफ तौर पर CCTV कैमरे में दिखाई दे रही है। जिस होटल में अंजलि और उसकी सहेली रुकी थी उसके मैनेजर ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। अब इस होटल में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इकतीस दिसंबर को रोहिणी सेक्टर 23 के एक होटल में विक्टिम और उसकी दोस्त करीब 7 बजे पहुंचे थे। होटल के मैनेजर के मुताबिक उस रात नए साल का जश्न मनाने बहुत लोग पहुंचे थे। उस दिन दोनों लड़कियों ने ही होटल में बुकिंग की थी। ये बुकिंग किसने करी थी? दोनों लड़कियों ने की थी। लड़कियों ने, दोनों ने अपने आइडेंटिफिकेशन जो आधार कार्ड वगैरह सब किए। अच्छा, अपने उनके साथ कुछ और लड़के भी आए थे? जी, उनके साथ नहीं आए थे, अलग से थे। जी, क्या वो उन्हें जानते थे? हाँ जी, बातचीत कर रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, लड़कियां जानती थी उनको। होटल मैनेजर ने दावा किया कि उस दिन कोई पार्टी नहीं थी। लड़कियों के साथ आए लड़के करीब 5 से 7 मिनट तक होटल में ही रुके थे। पार्टी नहीं थी यहाँ पे, कोई पार्टी हॉल नहीं है यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं थी। लड़कियों ने रूम लिया, आके लिया तो हमने रूम दे दिया उनको, प्रॉपर आईडी ली। बाकी पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, जो आईडी वगैरह है सब कुछ पुलिस को दे चुके हैं। और दिल्ली के कंझावला कांड पर गृह मंत्रालय सख्त है। गृह मंत्रालय ने पुलिस की लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी है। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह कर रही है इंटरनल इंक्वायरी। PCR कॉल और पुलिस कर्मियों की रिस्पांस टीम की भी जांच हो रही है। 12 किलोमीटर तक किसी पुलिस वाले ने लड़की को क्यों नहीं देखा, इस पर जांच की जा रही है। और वारदात वाली जगह का स्पेशल CP शालिनी सिंह ने मुआयना किया है, उनके साथ अधिकारियों की टीम भी वहां मौजूद थी। कंझावला की ये वही सड़क है जहां 31 दिसंबर को वारदात हुई। 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस की टीम के साथ स्पेशल CP शालिनी सिंह क्राइम स्पॉट का जायजा लेने पहुंची। करीब 10 से ज्यादा अधिकारी और पुलिसकर्मी वारदात वाली जगह का मुआयना कर क्राइम सीन को समझा। इस दौरान शालिनी सिंह पुलिसकर्मियों को कुछ समझाती नजर आई तो दूसरी ओर पुलिस अधिकारी फाइल के साथ सब सुनते दिखे। पुलिस के मुताबिक करीब 12 किलोमीटर तक युवती की बॉडी कार के साथ घिसटती जाती है। हैरानी इस बात की है कि इस रास्ते पर कई छोटे पुलिस बूथ हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले को वारदात की भनक तक नहीं लगती। वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस रात इस पूरी सड़क पर इक्की दुक्की गश्त कर रहे थे PCR की वैन, लेकिन PCR की वैन को जब चश्मदीदों ने इस बात की जानकारी दी तो उन्होंने भी कोई खास जहमत उस गाड़ी को ट्रेस करने में नहीं उठाई थी। तो ठीक इसी पुलिस बूथ की तरह कई जगह बताया जाता है उस रात यहाँ पिकेट भी लगी हुई थी, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्यों आरोपियों की गाड़ी को पुलिस ने उस वक्त नहीं पकड़ा। और कंझावला मामले में अब तक 7 सबूत सामने आ चुके हैं। CCTV कैमरे ने उस रात अपराध के हर एंगल को कैमरे में कैद किया। कंझावला कांड के अब तक 7 CCTV फुटेज सामने आ चुके हैं। घटना से जुड़ा पहला फुटेज 1 जनवरी की रात 1:31 का है, जिसमें रोहिणी के एक होटल के बाहर पीड़ित लड़की और उसकी सहेली दिख रही है। घटना से जुड़ा दूसरा वीडियो रात 1:57 का बताया जा रहा है, जो किशन विहार इलाके का है, जिसमें पीड़िता स्कूटी पर जाती दिख रही है। दरिंदगी का तीसरा फुटेज रात 2 बजे का है, जिसमें आरोपियों की कार डिपर देती हुई दिख रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद आरोपियों की कार यहां से चली जाती है। चौथे CCTV फुटेज में रात 2:10 का है, जिसमें लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी दिख रही है। पांचवा फुटेज रात 3:05 का है, जिसमें लड़की कार के नीचे फंसी दिख रही है। घटना का छठा वीडियो
रात 3:28 का है, जिसमें कार के नीचे फंसी लड़की घसीटती हुई देखी जा सकती है। सातवा फुटेज रात 3:34 का है, जहां मुंडका मोड़ के पास कार यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। इस वक्त भी लड़की कार के नीचे फंसी दिख रही है।